गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आई एम श्योर यू ऑल आर फाइन. चिल्ड्रेन, टुडे वी विल डू वर्क इन मैथ्स एक्सप्लोरर. सो प्लीज ओपन पेज नंबर 71. प्लीज राइट CW एंड टुडेस डेट ऑन द टॉप ऑफ द पेज. चिल्ड्रेन, टुडे वी विल डू एडिशन ऑफ नंबर्स, मेकिंग नंबर्स थ्रू एडिशन. बच्चों, आज हम लोग नंबर्स को एड करके एक नंबर बनाएंगे. जैसे मेकिंग ऑफ 10, हम लोग 10 बनाएंगे दो नंबर्स को ऐड करके. मेकिंग ऑफ 9, हम लोग 9 को बनाएंगे दो नंबर्स को ऐड करके. मेकिंग ऑफ 8, हम लोग 8 को बनाएंगे दो नंबर्स को ऐड करके. मेकिंग ऑफ 10, बच्चों हम लोग आज देखेंगे कि कौन से नंबर्स को जोड़ के हम लोग 10 बना सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा, 1 0 10 प्लस 0. 10 प्लस 0 कितना होता है? मैम ने आपको पहले ही बताया था कि अगर किसी भी नंबर में हम लोग 0 को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर सेम नंबर आता है. तो 10 में 0 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 10. So we will write here 10. 10 plus 0 is equal to 10. Next question. 9 plus is equal to 10. 9 में हम लोग क्या ऐड करेंगे कि हमारा 10 आए. So उसके लिए पहले हम लोग 9 lines को draw करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो यहाँ पे कितनी लाइन बच रही है, 1. सो वी विल राइट हियर 1. 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10. नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 इज इक्वल टू 10. 2 में हम लोग क्या ऐड करेंगे कि हमारा 10 आए. तो उसके लिए पहले हम लोग 2 लाइन्स खींचेंगे, उसके बाद बाकी लाइन्स इसके ऊपर खींचेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो यहाँ पे कितनी लाइन्स है वो हम लोग काउंट करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8. सो वी विल राइट हियर 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 8 plus 2 is equal to 10. So children, first 3 questions I have explained here. अब आगे questions हम लोग direct book में solve करेंगे. 7 is equal to 10. 7 में कितना जोड़ने से 10 बनेगा, उसके लिए पहले हम लोग 7 lines को draw करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. कितनी lines है यहाँ पे, 1 2 3. So we will write here 3. 7 plus 3 is equal to 10. Check करने के लिए इसको हम साथ में काउंट कर सकते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 6 plus 4 is equal to कितना, उसके लिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4. अब साथ में काउंट करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 6 plus 4 is equal to 10. 5 plus is equal to 10. 5 में कितना ऐड करेंगे कि 10 बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5. So we will write here 5. 5 plus 5 is equal to 10. उसको चेक करने के लिए आप साथ में काउंट भी कर सकते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 5 plus 5 is equal to 10. Plus 6 is equal to 10. 6 में कितना ऐड करने से 10 बनता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4. 4 plus 6 is equal to 10. 3 plus
इज इक्वल टू 10. 3 में कितना ऐड करने से 10 बनता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब इसको काउंट करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 plus 7 is equal to 10. 2 plus 8 is equal to कितना? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 plus 8 is equal to 10. 1 plus is equal to 10. 1 में कितना ऐड करने से 10 बनता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So we will write here 9. 1 plus 9 is equal to 10. 1 में 9 ऐड करने से 10 बनता है. Making of 9. अब हम लोग नंबर्स को ऐड करके 9 बनाना सीखेंगे. किस में 0 ऐड करने से 9 बनता है? 9. जब हम लोग 9 में 0 ऐड करते हैं तब हमारा बनेगा 9. 8 plus is equal to 9. 8 में कितना ऐड करने से 9 बनता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8 में 1 ऐड करने से 9 बनता है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So children, first 2 questions I have explained here. अब बाकी questions हम यहाँ पे करेंगे. 7 plus 2 is equal to कितना? तो 7 के ऊपर कितनी लाइन खींचेंगे? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2. अब साथ में काउंट करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So we will write here 9. 6 plus is equal to 9. 6 में कितना ऐड करने से 9 बनता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So यहाँ पे कितनी लाइन आएंगी? 3. 1, 2, 3. So we will write here 3. 6 plus 3 is equal to 9. 6 में 3 ऐड करने से 9 बनता है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ठीक है, टोटल हमारा 9 आ रहा है. +4 is equal to 9. 4 में कितना ऐड करने से 9 बनेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. यहाँ पे कितनी लाइन्स है? 1, 2, 3, 4, 5. So we will write here 5. 4 में 5 ऐड करने से हमारा 9 बनता है. 5 plus 4 is equal to 9. 4 plus is equal to 9. 4 में हमारा कितना ऐड करने से 9 बनता है? 4 में हमारा 5 ऐड करने से 9 बनता है. So 4 plus 5 is equal to 9. सेम ऊपर वाले की तरह. 3 plus 6 is equal to कितना? So 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now we will count it together. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So we will write here 9. 3 plus 6 is equal to 9. 2 plus is equal to 9. 2 में कितना ऐड करने से 9 बनता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So we will write here 7. 2 plus 7 is equal to 9. अब इसको साथ में काउंट कर सकते हैं हम लोग. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. +8 is equal to 9. 8 में कितना ऐड करने से 9 बनता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 line. So we will write here 1. 1 plus 8 is equal to 9. Making of 8. अब हम लोग नंबर्स को ऐड करके 8 बनाएंगे. 8 plus is equal to 8.
एट में कितना जोड़ने से एट बनता है? जीरो। जब किसी नंबर में हम लोग जीरो जोड़ते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है? सेम नंबर। सो 8 + 0 इज इक्वल टू 8। 7 + 1 इज इक्वल टू कितना? तो उसके लिए पहले हम लोग 7 के ऊपर कितनी लाइंस खींचेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1 के ऊपर 1 लाइन। नाउ वी विल काउंट इट टुगेदर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सो वी विल राइट हियर 8। चिल्ड्रन, फर्स्ट टू क्वेश्चंस आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर। अब बाकी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे। 6 + इज इक्वल टू कितना? तो 6 के ऊपर कितनी लाइंस ड्रॉ करनी है? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पे कितनी लाइंस है? 2। सो वी विल राइट हियर 2। 6 + 2 इज इक्वल टू 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 6 + 2 इज इक्वल टू 8। +3 इज इक्वल टू 8। 3 में कितना ऐड करने से 8 बनता है? उसके लिए पहले 3 के ऊपर 3 लाइंस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5। सो वी विल राइट हियर 5। 5 + 3 इज इक्वल टू 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 4 + इज इक्वल टू 8। 4 में कितना ऐड करने से 8 बनता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4। सो वी विल राइट हियर 4। 4 + 4 इज इक्वल टू 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 3 + 5 इज इक्वल टू कितना? तो 3 के ऊपर कितनी लाइंस है? 1, 2, 3। 1, 2, 3, 4, 5। नाउ वी विल काउंट इट टुगेदर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 3 + 5 इज इक्वल टू 8। सो वी विल राइट हियर 8। 2 + इज इक्वल टू 8। 2 में कितना ऐड करने से 8 बनेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो वी विल राइट हियर 6। 2 + 6 इज इक्वल टू 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। टोटल हमारा 8 है। -1 इज इक्वल टू 8। 7 में कितना ऐड करने से 8 बनता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1। सो वी विल राइट हियर 1। 1 + 7 इज इक्वल टू 8। अब इसको दोबारा हम लोग चेक कर सकते हैं साथ में काउंट करके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 7 + 1 इज इक्वल टू 8।